एल्विस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो विनर रहे बिग बॉस OTT 2 के, तो उसमें क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं वो विनर नहीं बनने वाले थे, वो विनर नहीं बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने बिग बॉस के लोगों को धमकी दी थी कि हम सेट जला देंगे, ये जला देंगे, वो जला देंगे, उनके कुछ लोगों ने, तो इसलिए ज़बरदस्ती उनको जिताना पड़ा। वरना विनर तो पूजा भट्ट थी, मनीषा रानी थी, या फिर अभिषेक थे, क्योंकि वो लोग डे वन से आए थे। बट एक बात की खुशी है कि वो वाइल्ड कार्ड बन के आए, क्योंकि मैं हमेशा वाइल्ड कार्ड बन के आती हूँ, मैं कभी नहीं जीतती हूँ, वाइल्ड कार्ड में कोई जीतता नहीं है। तो ये सिर्फ बिग बॉस के लोगों को धमकी दी गई थी और कुछ नहीं था। इंस्टाग्राम पे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऑन लाइव आने पर उनका टेंथ और टॉप 10 में उनका नाम आया है, इंडिया में वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में टॉप 10 और वन इंडिया में वो नंबर 1 उनका है। अरे तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? मैं इंस्टा पे जाती हूँ तो टॉप 1 पे आती हूँ, कौन सा काय का रिकॉर्ड तोड़ा? किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। कैसा लग रहा है अल्वेश यादव, हमें रोस्ट करते हो ना, अब हम तुमको रोज रोस्ट करेंगे, समझ गए? पूरा बॉलीवुड को, सलमान को भी नहीं छोड़ा, मुझे भी नहीं छोड़ा, हमें इतना रोस्ट करता है। बिग बॉस में आने से पहले इन्होंने अपने यूट्यूब पे इतना गंद फैलाया था, इतना लोगों को रोस्ट करता है। अब आपको कैसा लगता है अल्वेश? हम तुम्हें रोस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें रोज रोस्ट करेंगे और खाएंगे भी। लेकिन बिग बॉस में उनका बट मैं अभी कहना चाह रही हूँ कि एल्विस, अब तो तुम बिग बॉस की ट्रॉफी जीत गए हो, अब रोस्ट करना बंद करो। लेकिन बिग बॉस में वो एकदम पूरा नरम दिखे, क्योंकि वो मेरी अच्छी एक्ट्रेस है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिग बॉस में किसी के बाप का नहीं चलता, तो एल्विस भी अंदर नहीं चलेगा, एकदम नरम ही रहेंगे ना। वहाँ पर गर्म होकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना गर्म रहोगे तो वहाँ पर बिग बॉस में कोई जीत ही नहीं सकता। एक तरफ अभिषेक ने अपनी जो बातें हैं उन्होंने रखी, खुल कर रखा है उन्होंने, ऐसा झगड़ा हो या कुछ भी, मगर वहाँ पर देखा जाए तो पब्लिक का सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिला, क्योंकि जो फेक रहते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे यही दुख हुआ कि जो फेक है उसको सपोर्ट मिला, अभिषेक, पूजा भट्ट, मनीषा रानी, आकांक्षा पुरी, इन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए था, और डे वन से थे वो। और पूजा भट्ट ने एक बात और कही अभिषेक को लेकर कि एल्विश अगर होते तो वो अपना ट्रॉफी दे देते, मगर अभिषेक नहीं देते, तो क्या कहीं ना कहीं नहीं नहीं, ये सब सारे ड्रामे हैं ट्रॉफी देने के, ये सारे ड्रामे लोगों को दिखाने के। थैंक यू, चलो चलो मेरे वॉक करने का, लो मैं आ रही हूँ वहाँ से, वहाँ से वो लाइट तो ऊपर की लाइट मिलेगी भाई, लाइट देना थोड़ा। हाँ आप उधर जाओ, बीच में आ जाओ।